इंडिया का यहाँ जो मुझसे प्यार कर रहे हैं उनका दिमाग में गंदगी भरना चाहते हैं, वो वही बता सकते हैं। मैं नहीं कह सकती, वो आपको ATS वाले हैं या पुलिस वाले, आप इनसे बात कर सकते हैं। है करा है, अब भी आप पूछ रही हैं, मैं इनके साथ जीऊँगी इनके साथ मरूंगी यही कहूँगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगी। वापस तो मेरा जाना एक पर्सन भी नहीं है, अगर मैं गई तो बहुत बुरा हो जाएगा, इतना बुरा हो जाएगा कि शायद उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। मेरे साथ होगा, मेरी 3 बेटियाँ हैं उनके साथ, छोटी छोटी उनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। कि माँ थी मेहीन का बाप थी जो अभी वो बैठ के दावा कर रहा है, पहले वो मेरे पूछता तक नहीं था, तो बहुत बुरा हो जाएगा। खास मैं साथ दूंगा, और क्या कहते हैं, हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, जीना मरना हम दोनों को साथ है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो पाकिस्तान से एक महिला को भारत में ले आई है। लगातार देखिए, महिला जेल में भी रहकर आ चुकी, उसके बाद ATS से लगातार पूछताछ हो रही थी, जिसमें कि सभी जगह ये चल रहा था कि सीमा अपने घर में नहीं है। आज सीमा अपने घर पर मौजूद है, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, किस तरीके के सवाल थे आपके, कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके की बातें हैं, कुछ अफवाहें भी उड़ रही हैं, क्या कुछ आप अपनी प्रेम कहानी के लिए कहना चाहेंगे? मैंने प्रेम कहानी के लिए इतना कुछ कहा है, करा है, अब भी आप पूछ रही हैं, मैं इनके साथ जीऊँगी इनके साथ मरूंगी यही कहूँगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगी। और अगर पूछताछ की बात, मैम आप वो वही बता सकते हैं, मैं नहीं कह सकती, वो आपको ATS वाले हैं या पुलिस वाले, आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। और बाकी जो मेरे बारे में, अब हमारे वकील ही बात करेंगे, मैं मुझसे हम डिपोर्ट करने की आपको बात चल रही है कि आपको वापस भेज दिया जाएगा, आपका कहना यही है कि मेरा जीना मरना यही है, तो आप उस पर क्या कहेंगी, क्या कुछ आपके मन में विचार चल रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत टेंशनों में भी आप रही होंगी। मैं वापस तो मेरा जाना एक पर्सन भी नहीं है, अगर मैं गई तो बहुत बुरा हो जाएगा, इतना बुरा हो जाएगा कि शायद उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। मेरे साथ होगा, मेरी 3 बेटियां हैं उनके साथ, छोटी छोटी उनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी। बच्चों के लिए आप क्या सोच रही हैं, 1% अगर वापसी भेजने की बात की जाती है, क्योंकि आप बता रही हैं कि वहाँ पर आपको जीवित नहीं छोड़ा जाएगा, तो किस तरीके के विचार आपके मन में आ रहे हैं? बहुत दुविधा भी होगी, क्योंकि देखिए 10 तरीके के लोग हैं, 10 तरीके की बातें हैं, तो क्या आप उस पर कहेंगे, किस तरीके से अपने बच्चों को सेफ रखेंगे? जब मुझे वापस आने की बात आती है तो मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, रोना भी आता है कि इन मासूम का क्या होगा जब मैं नहीं रहूँगी, तो मैं ही इनकी माँ थी, मैं ही इनका बाप थी जो अभी वो बैठ के दावा कर रहा है, पहले वो मेरे पूछता तक नहीं था, तो बहुत बुरा हो जाएगा, खासकर मेरी बेटियों के साथ। मैम, बस कुछ वीडियो जो वायरल हो रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे? आपने देखा होगा वहाँ भी रिपोर्टर भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, आप पर आरोप भी लगा रहे हैं कि डांस करती थी और लोगों के साथ अफेयर्स थे, उस पर क्या आप कहेंगे? क्योंकि देखिए प्रेम कहानी है, या लोगों को अभी डाउट है, उसको कैसे क्लियर आप कर पाएंगी कि हाँ आप एक प्रेम कहानी में ही भारत आए? मैं भारत में हूँ, इसी कारण वो ऐसा कर रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ, तो मुझे किसी तरह गिराना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मैं ऐसे दुकानों में जाती थी, कह रहे चीनी पत्ती लेने आती थी, ये सब बकवास कर रहे हैं, बस मेरा इंडिया का यहाँ जो मुझसे प्यार कर रहे हैं उनका दिमाग में गंदगी भरना चाहते हैं, बस। सचिन, क्या कहेंगे आप, इतनी दूर से आई हैं, कितना आप इनका साथ देंगे, क्योंकि अगर ये भारत में रहती हैं उसके बाद आपके लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी। जी मैम, मैं साथ दूंगा, और क्या कहते हैं, हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, जीना मरना हम दोनों का साथ है। और हमारे जी से आपने कुछ गुहार लगाई हो कि आपको सेफ रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। मैम देखिए, जो बात करनी है आपको वो हमारे वकील साहब AP सिंह सर से बात कर लीजिए। देखिए, ये थी सीमा जो ये लगातार गुहार लगा रही हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती हैं, यहीं इंडिया में रहना चाहती हैं, साथ ही वो ATS के सवालों के लिए बोलती हुई नज़र आ रही हैं कि ATS ने बहुत सारे सवाल उनसे किए, लेकिन ऐसा स्थिति कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्यार के लिए वो भारत में आई हैं। देखना होगा जिस तरीके की बात चल रही है कि सीमा यहाँ भारत में रहती हुई नज़र आती है या वापसी उसकी पाकिस्तान में होती है।